तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज वक्फ बोर्ड के मेंबरान के हमरा दरगाह यूसुफैन शरीफैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली का दौरा करते हुए इंतजाम का जायज़ा लिया। इस मौके पर चेयरमैन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आवाम की सहूलत के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से मुनासिब इकदाम किए जा रहे हैं। शुरुआत है 12 तारीख को संगर मुबारक से, उसके सिलसिले में इंतजाम के सिलसिले में आज यहाँ पर मैं मेरे साथ हमारे मोहम्मद के मोजिस की डॉक्टर साहब और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर याकत हुसैन साहब और दीगर तमाम एम्प्लॉयज़ के साथ, अमले के साथ, हमारे मोहम्मद इंस्पेक्टर्स और यहाँ के निजाम साहब सबके साथ हम लोग यहाँ पर दरगाह शरीफ का उसके अहाते का हम लोग जायजा किए, इंतजाम का जायजा दिए। अलहमदिल्ला इंतजाम अच्छे हैं क्योंकि ये हुकूमत आने के बाद भी पहला ऑफिस है और हुकूमत भी क्योंकि खासतौर पर हमारे वज़ीर आला अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दिगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तियाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलक नुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।